मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि मैम हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमें कब करना चाहिए, हमने किया था हमारा रिजल्ट सही नहीं आया। तो इसके ऊपर क्योंकि क्वेरीज हैं ऑलरेडी, मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ इस पर क्योंकि बहुत क्वेरीज हैं तो मैं आपको बताती हूँ। आइडियल रूल ये है कि जिस दिन आपकी पीरियड की डेट है, अगर आपकी पीरियड्स नहीं आए हैं आपको उस दिन आपका टेस्ट करना चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन हो सकता है कि साइकिल में डिले हुआ हो जिसकी वजह से पीरियड भी दो चार दिन अभी नहीं आया है और दो चार दिन बाद आने वाला है पर प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। उसके अलावा हो सकता है कि इस मंथ आपके कुछ डाइट में चेंजेस रहे हों या हार्मोन में चेंजेस हुए हों या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हुआ हो जिसकी वजह से बॉडी पे इफेक्ट आया हो और अभी पीरियड नहीं आया पर दो चार दिन में पीरियड आ जाएगा आपका, पर प्रेगनेंसी आपको है नहीं, आपने टेस्ट किया और वो नेगेटिव आया। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि प्रेगनेंसी आपको है पर आपने टेस्ट किया, आपको पीरियड अभी नहीं आया है लेकिन आपको प्रेगनेंसी है, आपने टेस्ट किया और वो टेस्ट नेगेटिव आया तो आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ओव्यूलेशन क्योंकि डिले हुआ था, अभी जो है बीटा एचसीजी हार्मोन जिसके ऊपर ये प्रेगनेंसी किट काम करती है वो अभी आपके यूरिन में उसकी मात्रा इतनी आई ही नहीं है कि अब ये जो किट है उसको डिटेक्ट कर सके, और प्रेगनेंसी है आपको लेकिन अभी वो आपके टेस्ट में नहीं आ रही है। तो आइडियल क्या रहता है, तो देखिए अगर आप चाहें तो जिस दिन आपकी डेट है आप उस दिन एक टेस्ट कर लीजिए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो अभी आप वेट कीजिए। आप 5 डेज वेट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 1 वीक जरूर वेट कीजिए। एक हफ्ते तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीरियड्स आगे पीछे हो सकते हैं, एक हफ्ते तक हो सकता है कि आपको पीरियड आ जाए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो। और ये भी हो सकता है कि अब प्रेगनेंसी रुक गई हो पर बीटा एचसीजी का हार्मोन का लेवल अभी उतना नहीं बना है तो एक हफ्ते में वो उतना बन जाएगा। तो आप पहला एक बार टेस्ट कर लीजिए जिस दिन आपकी पीरियड मिस होने की डेट थी, उसके बाद आप 3 डेज बाद कर सकते हैं, लेकिन आप अप टू 7 डेज भी कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप पहले जिस दिन आपका पीरियड मिस हुआ उस दिन आप टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप 2 दिन रुकिए, उसके बाद आप 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट कीजिए, और उसके बाद आप अभी रुकिए, एक हफ्ते तक आप रुकिए। एक हफ्ते तक भी अगर आपका पीरियड नहीं आता है तो तब आप सोचिए कि आपको एक बार डॉक्टर से पूछना है कि भाई पीरियड्स क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि हो जाता है साइकिल में एक हफ्ते का डिफरेंस हो सकता है, इवन टेस्ट में पॉजिटिव आने में भी हो सकता है। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है तो पीरियड्स कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें भी हो सकता है, तो एक हफ्ते आगे पीछे हो सकता है। तो याद रखिए टेस्ट अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और पॉजिटिव आ रहा है तो भी ऐसे हो सकता है कि दोबारा पीरियड स्टार्ट हो जाए। तो अभी आप वेट कीजिए, एक हफ्ते का गैप आप ज़रूर रखिए, पहला टेस्ट कीजिए जिस दिन पीरियड आपका मिस हो गया है, पीरियड नहीं आया है, उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा जो है 3rd डे आप दोबारा से टेस्ट कीजिए, और एक हफ्ते के अंदर अगर आपको पीरियड नहीं आया है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में जो क्वेरी आ रही थी आपकी वो दूर हो गई होगी, आपको थोड़ा व्यू मिल गया होगा, पर फिर भी अगर आप चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग बता दूंगी कि आपको टेस्ट कब करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।